टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यानी आज के दिन समस्त देशवासियों को दैनिक शिव टाइम की टीम की ओर से यानी के महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय आपको लाइव दिशा मदारे श्री रणवेश्वर मंदिर से आपको लाइव तस्वीरें भोले बाबा के दर्शन आपको करवाते हैं। घर में बैठे आपको लाइव भोले बाबा के दर्शन हम आपको करवाएंगे। श्री रणवेश्वर मंदिर शालामार से लाइव तस्वीरें, हर हर महादेव। जो भी समय में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और देखिए समय, जो घर में बैठे हैं आप भी हर हर महादेव जरूर कहिएगा। देखिए लोगों का यानी श्रद्धालुओं का भक्तों का जमावड़ा आप देख रहे हैं। और देखिए प्राचीन मंदिर है ये श्री रणवेश्वर मंदिर। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। हर हर महादेव, भोले शंकर अपनी असीम कृपा। भोले बाबा अपनी असीम कृपा आप सभी पर बनाए रखे। हमारे चैनल पर भी भोले बाबा की हमेशा अपनी असीम कृपा। दिन बताना चाहेंगे आपको। और ये ऐसा मंदिर है, जम्मू के इस मंदिर में है 1.25 लाख शिवलिंग, वो भी पीतल से बनी हुई। और इस समय हम आपको घर बैठे आपको इस मंदिर के जो दर्शन करवा रहे हैं बताना चाहेंगे आपको। पीतल से बनी 1000 किलोग्राम की नंदी की मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी। और इस मंदिर में जम्मू का ऐसा प्राचीन मंदिर जिसमें आपको मिलेंगी 1.25 लाख शिवलिंग पीतल से बने, 1000 किलोग्राम की नंदी की मूर्ति। बात करें तो आज के दिन शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं को भीड़ देखने को मिलेगी। जम्मू शिव मंदिरों के लिए पहले ही प्रसिद्ध है। आज हम ऐसे ही आपको प्रसिद्ध मंदिरों की आपको दर्शन करवा रहे हैं। और ये समय आपको श्री रणवेश्वर मंदिर के आपको दर्शन करवा रहे हैं। और मंदिर का इतिहास अगर बताना चाहेंगे आपको, मंदिर का इतिहास क्या है। श्री रणवेश्वर मंदिर जम्मू शहर में जो यानी के बताना चाहिए सिविल सचिवालय यानी सिविल सेक्रेटरी के बिल्कुल सामने है, शालीमार रोड पर स्थित है। ये मंदिर जम्मू शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण महाराजा रणवीर सिंह ने 1883 में करवाया था। बाद में मंदिर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। जो भी समय में देख रहे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ये मंदिर उत्तर भारत में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। ये जम्मू शहर के मुख्य आकर्षण में से एक है। मंदिर की एक विशेषता यह है कि ये पहली मंदिर पर बना है और साथ ही साथ सड़क की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान शिव की मूर्ति और शिवलिंग है। और बताना चाहेंगे कि नर्मदा नदी के से लाए गए हैं 1.25 लाख शिवलिंग। यहाँ के शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट ऊंची है और ये एक काले पत्थर से बनी है। वहाँ मंदिर में 12 और शिवलिंग है जो क्रिस्टल से बने हैं जिनकी ऊंचाई 15 से 38 सेंटीमीटर के बीच में है। मंदिर के अंदर दाई और बाई और एक स्लैब है जिसमें नर्मदा नदी के लाए गए लगभग 1.25 यानी 1.25 लाख शिवलिंग है। भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी की मूर्तियां भी मंदिर में स्थापित है। ये घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम का होता है। शनिवार और सोमवार को ये भक्तों का भारी मात्रा में जमावड़ा देखने को मिलता है। महाराजा रणवीर सिंह के नाम से ये बना श्री रणवीश्वर रणवीरेश्वर मंदिर काफी पुराना और जिसमें आपको 1.25 लाख शिवलिंग मिलेंगे और साथ ही साथ 1000 फीट
नंदी जो शिव जी की सवारी थी, नंदी बैल की, आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, और यहाँ पर ये ऐसा मंदिर है क्या नाम है आपका? काव्या। काव्या, आज पता है आप क्या दिन है? हाँ। क्या दिन है बताओ? महाशिवरात्रि है। क्या बात है, भोले बाबा का दिन है। हाँ। आप यहाँ पर मंदिर में क्या भोले बाबा से मांगा बताओ? मैं मांगूंगी कि मेरी फैमिली को हमेशा खुश रखे। क्या बात है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड। चलिए भोले बाबा आप पर अपनी स्थिति को। अच्छा, आपको भजन आता है? हाँ। बताओ बताओ, फिर सुनाओ सुनाओ बच्ची ने कितना प्यारा भजन गाया है। क्योंकि ये हमारी कहीं ना कहीं संस्कार है, हमें अपनी संस्कृति को, अपने धर्म की भी सम्मान करना चाहिए और दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। ये देखिए शिवलिंग के ऊपर यानी शिव भोले बाबा को जल चढ़ाते हुए, अर्पण करते हुए और अपनी मनोकामना भोले बाबा के दरबार में रखते हुए हम भी प्रार्थना करते हैं। भोले बाबा, जो लोग भी बीमार अवस्था में हैं, जो लोग नहीं यहाँ पर पहुँच पाते किसी कारणवश, जो लोग दूर हैं, जो कहीं ना कहीं लोग असमर्थ हैं, हम उनसे भी उनके लिए प्रार्थना करते भगवान उनको बीमारियों से दूर करें और हर एक भगवान जो है भोले बाबा हर एक की मनोकामना पूर्ण करें। इस समय के लाइव दृश्य आपको श्री रणवीरेश्वर मंदिर से हम आपको बता रहे हैं और अब आपको दर्शन करवाएंगे 1,25,000 उन शिवलिंग्स के, जिस वजह से ये मंदिर एक आकर्षण का माध्यम है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जरूर बोलिएगा। हाँ, नमस्कार आपको। जी जी मैम। हाँ, आज बहुत ही, नाम बताइए। मेरा नाम है सुमन गुप्ता, मैं मास्टर हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल जोड़िया से। क्या बात है। हाँ, क्या कहेंगे आज? तो आज का दिन जो है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, शिव पार्वती का विवाह हुआ था इस दिन और हम मंगल कामना करते हैं कि कोई भी जो मुसीबत आए, वो वैसे तो आए ही ना, तो वो जल्दी से टल जानी चाहिए और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सब खुशी से रहे और सबकी आयु में वृद्धि हो। क्या बात है, धन्यवाद मैम, आपको भी भगवान आपकी जो मनोकामना पूर्ण करे। और ये देखिए ये बोलो बोलो क्या बोलो, नाम बोलो, है बेटा? बोलो लक्ष्मी। चलिए बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। घबरा भी जाते हैं बच्चा, बोले बाबा रक्षा करें बच्चे आपके। इस समय आप देख रहे हैं 1,25,000 जो है यहाँ पर आप देखेंगे शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे और दर्शन कीजिएगा घर बैठ कर। देखिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे भी आए हैं यहाँ पर, ये हम आपको बता रहे हैं। ये जो 1,25,000 शिवलिंग्स समय, ये जो 1,25,000 शिवलिंग जो है हम आपको दिखा रहे हैं घर बैठे, आपको इनके दर्शन करवा रहे हैं
और देखिए जो भी हमारे सुरक्षा बल भी यहाँ पर पहुँचे हैं भोले बाबा के दर्शन लेने करने के लिए। और ये शिवलिंग है, भोले बाबा अपना आशीर्वाद हम असीम कृपा हमारे जम्मू कश्मीर पर, पूरे देश पर हमेशा बनाए रखे और दुश्मनों से, दुश्मनों की नज़र से बचाए रखे हमारे देश को, हमारे जम्मू कश्मीर को, उनकी नापाक इरादों को भोले बाबा जो है विफल करें। इस समय के जो दृश्य हम आपको लाइव दृश्य है श्री रणवीरेश्वर मंदिर के, महाराजा रणवीर सिंह जी के जो है उन्हीं के नाम पर ये बना हुआ प्राचीन मंदिर एक आकर्षण का माध्यम है और जम्मू के कई प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हर हर महादेव, जो भी समय में देख रहे हैं जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। पूरा दिन आप देखेंगे पिछले कई दिनों से लगातार मंदिरों में पूजा अर्चना और पूरी तरह से मंदिरों को सजाया जा रहा है अपने अपने तरीके से। हर मंदिर की एक अपनी महानता है। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत आज के दिन की शुभकामनाएं। क्या कहोगे आज के दिन के बारे में? मैं कुछ नहीं कह सकती, अच्छा लगता है। चलिए आप बताइए, इस समय हम दिखा रहे हैं, चलिए बात भी करेंगे, यहाँ के जो भी श्रद्धालु आए उनसे भी बात करेंगे। और देखिए गौ माता की जय हो। जी आज बिल्कुल, जैसे कि आज 8 मार्च एक महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू समाज सनातन धर्म के लिए। और आज हम सब यहाँ जम्मू के प्रसिद्ध मंदिर रामेश्वर मंदिर में खड़े हैं। और आज यहाँ सुबह से ही 2-3 बजे से ही लोगों का इतना रश है, लोग सुबह से दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। और आज पूरे जम्मू सिटी में, जम्मू में पूरा मंदिरों में हजूम ही हजूम है। और हर जगह आपको भंडारे लंगर देखने को मिलेंगे कि आज सब भोले बाबा के दर्शनों के लिए और भोले बाबा के लिए सब लोग उनमें, समझ लो कि पूरी तरह से उनमें चले गए हैं कि उनकी पूजा में। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी इस मंदिर में। मैं भी काफ़ी देर से यहाँ पे आया हूँ, इतने लोग यहाँ से आए हैं, दूरों दूरों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए। और शाम को जैसे कि होता है कि भोले बाबा का जो एक प्रसाद जिसे कहा जाता है बांग, वो भी यहाँ पे शाम को रहने वाली है। तो जम्मू नहीं, मैं हल्का सा पीऊंगा क्योंकि भांग का बहुत ज़बरदस्त रहता है नशा, वो तो हम नहीं पी सकते, बट हल्का सा ऐसे प्रसाद के तरह ले लेंगे थोड़ा सा। हाँ, क्या कहेंगे, आपको भी बताइए आज की महाशिवरात्रि के पर्व। हर हर महादेव, मैं सभी को हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को। और मैडम हमने कल देखा बारात का काफ़ी लोगों में जोश था, काफ़ी लोगों में उत्साह था। और ये जो मंदिर है रामेश्वर मंदिर, आपने देखा 6 महीने पहले काफ़ी हालत खराब थी, वही हम देख रहे हैं बड़ा अब अच्छा कर दिया इसको पूरा पूरा। ये फिर इन्होंने बैक कवर किया, लोगों में नाराजगी थी वो भी आज लोग खुश हो रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं काफ़ी लोग रेनोवेशन हुई है। हाँ, वो हुई है और दिन रात पूजा भी हो रही है, कल भी पूजा हुई थी रात को, आज भी दिन रात चलेगी। और बाकी इसका जो लंच है वो लंच रखेंगे संडे को 2 बजे का, तो हम लोग सभी को नाश्ता देंगे और सभी आए पार्टिसिपेट। हर हर बार जनता की नाराजगी दूर हो। हाँ हाँ, जनता की नाराजगी बिल्कुल। पिछले दिनों लगातार खबरें उठी थी श्री रणवीरेश्वर मंदिर को लेकर के, ये थोड़ा खंडित हो गया था जो थोड़ा टूटी फूटी दिल, पर अब उसे पूरी तरह से रेनोवेट किया है। पर ये भोले बाबा के ये जरूर कहेंगे उनके
भक्त है जो इन्हें बड़े मान सम्मान किया जाता है, जिन्हें बड़े मान सम्मान के साथ बाबा की सवारी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप जम्मू के अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं का पूरी तरह से जमावड़ा है। लोग हर्षोल्लास खुशी के साथ भोले बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पुलिस के अधिकारी डीएसपी जो हैं दविंदर जी, वो भी यहाँ पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ पूरा निरीक्षण करते हुए। बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और इस समय श्री रणवीरेश्वर मंदिर के आपको दृश्य बता रहे हैं। फिर से कहेंगे, हमारे जितने भी सुरक्षा बल है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे सुरक्षा बल, हमारे ट्रैफिक विभाग के अधिकारी, उनका एक अहम योगदान है। इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम को संपन्न करने में यह है नंदी महादेव की सवारी, नंदी बैल। हमने आपको पूरे विजुअल बताए सुबह, जो हमने आपको आप शंभू मंदिर जो कि रूपनगर में, वहाँ के आपको दृश्य बताए, भोले बाबा के दर्शन करवाए। और आज हमने आपको, और इस समय हमने आपको श्री रणवेश्वर मंदिर के आपको दर्शन करवाए। ये वही मंदिर है जिसे लेकर लोगों में काफ़ी रोष था, नाराज़गी थी, पर कहीं ना कहीं इस मंदिर में जो रेनोवेशन की गई है, अच्छा कार्य किया गया है ताकि लोगों की नाराज़गी ख़त्म की जाए। क्योंकि एक आस्था जुड़ी हुई है, लोगों की धर्म की आस्था जुड़ी हुई है, तो आस्था के साथ थोड़ा भी अगर इस तरह की बात हो तो लोगों को ठेस पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की नाराज़गी कम हुई है। और देखिए, मंदिर को रेनोवेट भी किया गया, अच्छी बात है। धार्मिक स्थलों का इस तरह से ध्यान रखना भी जरूरी है जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी हो। फिलहाल ये कहेंगे, भोले बाबा आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखिएगा। और हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।